हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, और बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि न्यूक्लियोफाइल है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है, इन दोनों के बीच में वो आइडेंटिफिकेशन इजीली नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज इस पूरे वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम इजीली किसी भी कंपाउंड को हम ये देख करके बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रिएक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट मिस ना करें। ओके, हेड डालें न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत काम आता है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना आता है रिएक्शन के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तब बहुत दिक्कत आती है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये बेसिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का। ओके, तो आपको जरूर आना चाहिए। देखो, न्यूक्लियर का मींस क्या होता है, न्यूक्लियर का मींस होता है न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियर का मींस क्या होता है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सर, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो फाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, दिस इज PHILE फाइल, राइट। इसको हम बोलते हैं लविंग, इसका मीनिंग होता है लविंग। ठीक, तो देखो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या बनी, न्यूक्लियोफाइल का बेसिक मीनिंग क्या बना कि जो न्यूक्लियो ऐसे कंपाउंड जो कि न्यूक्लियस को क्या करते हैं, लविंग करते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, यानी जिनको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, राइट। सेम इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, राइट। इसको जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन होती है, फर्स्ट बेसिक मीनिंग होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। अगर हम दूसरे रिस्पेक्ट की बात करें, दूसरे पॉइंट की रिस्पेक्ट में बात करें, तो देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, न्यूक्लियस को किस पर रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी कौन सी स्पीसीज होगी जिसको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन की रिचमेंट, ठीक है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एक बार हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट। भाई न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट किसको रहेगी, न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट उसी को रहेगी जिसके पास में न्यूक्लियस कम हो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना, इलेक्ट्रॉन की रिचमेंट हो। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल, सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियस, सॉरी एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन कौन सी होती है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में एग्जिस्ट करेगी, एक्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल CH3- हो गया, Cl- हो गया, ठीक है, एंड आपका NH3- हो गया, राइट। इस तरीके से जो माइनस SH- हो गया, ठीक भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या किसके ग्रुप में कंसिडर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है, जिसके पास में लोन पेयर्स होते हैं, हाँ, लोन पेयर, लोन पेयर को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो जिसके पास में लोन पेयर है वो भी किसके रूप में एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2NH3, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा आपका, आप ये बोल सकते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, ठीक है, स्पीसीज हैविंग ए कंपाउंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है,
ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि किसकी तरह एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, राइट। फोर्थ कैटेगरी आती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की, ठीक। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब मेटल अटैच हो जाता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा, RMGX, ठीक है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ऐसा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और आपने पढ़ा होगा RLI पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा R2CULI, ठीक है, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फिफ्थ कैटेगरी होती है, मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी वो होती है आपकी पोलराइजिंग या पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको पोलराइजिंग फंक्शन ग्रुप भी बोलते हैं। ऐसे फंक्शन ग्रुप जो कि पोलराइज हो सकते हैं। अब सर ये कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं कि जो पोलराइज हो सकते हैं? आपने कीटोन पढ़ा होगा, है ना, इस तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होती है? कम होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, राइट। तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन जो स्पीसीज है, जब ऑक्सीजन का अटैक होगा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में है ये, ठीक है, CNR, तो इसमें भी नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो जब नाइट्रोजन का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। तो इसको भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी इनको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? इनको रिक्वायरमेंट रहती है पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, यानी जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसकी तरह एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वो एक्ट करेगा, राइट। एग्जाम्पल आपका आ गया, फॉर एग्जाम्पल CH3+, ठीक है, H+ आ गया। तो इस तरीके से जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको मेन एक्सेप्शन पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो आप देख ही लोगे। देखो एक्सेप्शन क्या है, अगर आपके पास में H3O+ है, या फिर क्या है आपके पास में NH4+, राइट, NH4+, ये दोनों स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये दोनों एक्सेप्शन है, इनको आप इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कंसिडर नहीं करोगे जब भी आपको रिएक्शन में H3O+ दे रखा हो या फिर NH4+ दे रखा। एक और एक्सेप्शन क्या है, वो है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कभी भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा देखोगे Li+, Na+, Mg+2, ठीक है, Al+3, इनको आप कभी भी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कंसिडर नहीं करोगे। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये दो एक्सेप्शन है, आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फ्री रेडिकल, ठीक है, स्पीसीज हैविंग फ्री रेडिकल्स, फॉर एग्जांपल Cl फ्री रेडिकल हो गया, CH3 फ्री रेडिकल हो गया, राइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है थर्ड कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। जिन ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट क्या होता है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो भी क्या करते हैं? वो भी किसके तरह एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करते हैं, राइट। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल BH3, ठीक है। तो जिनके पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो किसी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करेगा, राइट। फोर्थ, ये लोग आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, जब आप ऑक्टेट की बात करते हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, तो उसमें एक एग्जांपल आ जाएगा BH3, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड नेक्स्ट आता है कंपाउंड हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट बट दे कैन एक्सपेंड
ऑक्टेट, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है बट वो एक कैपेबल है अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने में वो क्या है, कैपेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल BCl5 हो गया, उसके बाद में आपका SnCl2 आ गया, देन उसके बाद में आपका ZnCl2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फिफ्थ आपकी, फिफ्थ आपकी आती है पोलराइजेबल, पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो पोलराइजर फंक्शन ग्रुप न्यूक्लियोफाइल में भी था, इलेक्ट्रोफाइल में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब इस तरीके से वो और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन का अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में होगा, यानी ये कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा। लेकिन जब देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती है, तो ये किसके रूप में वर्क करेगी? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये भी हो सकता है, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन किसकी तरह एक्ट करेगा? नाइट्रोजन एक्ट करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और कार्बन किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो आपका याद रखना है कि जनरली All Lewis acid are electrophile, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ऑलमोस्ट जनरली हर कंडीशन में क्या होता है, जितने भी लुइस एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ एक केसेस में होते हैं, कुछ एक दो केस हो सकता है जिसमें नहीं करे, बट ऑलमोस्ट जनरली हर केस में लुइस एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशंस हैं, ये पूरे के पूरे चार कंडीशंस हैं कि ये आपके जो स्पीसीज है वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क करेगी। आपको एग्जांपल याद नहीं रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल याद रखोगे तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, फ्री रेडिकल के भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। आपको क्या करनी है, कैटेगरी याद रखनी है कि जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, आपको देखना है कि ऐसा इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क करेगा, ठीक। फ्री रेडिकल है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो भी किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगा। ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। तो उसको भी हम किसके रूप में वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। देन उसके बाद में पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो दोनों तरीके से काम करते हैं, ध्यान रखें कि जो भी पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो दोनों तरीके से वर्क करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के भी रूप में एक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होती है आप इसको स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि कई बार रिएक्शन में आपको अटैकिंग ग्रुप जो होता है वो कभी कार्बन मिलेगा कभी ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। तो आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में या फिर न्यूक्लियोफिलिक, राइट। सिमिलरली वैसे न्यूक्लियोफाइल में आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के बारे में ध्यान रखना है, जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है उनके बारे में ध्यान रखना है, और जिनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास में प्रेजेंट है वो भी इसके तरह एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेंगे। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को, ओके। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।